नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। फटाफट अपने चैनल को सभी लोग एक बार सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर जरूर दबा लीजिएगा। अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, और उसके अलावा इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो बैठ करके आराम से देख करके जाइएगा। सबसे पहले आपको एक दुखद समाचार चार देने वाले हैं। लिखा है सुधांशु पटेल भाई जी, बहुत ही दुखद समाचार आया हुआ है। सीतापुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर हरगांव पड़ता है, वहां की सुपरवाइजर बहन है, उनका देहांत हो गया है। और उनका कहना है कि यहां पर देख सकते हो 18 तारीख को उनका देहांत हुआ है। सीमा देवी बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सलारपुर वगैरह से, हरगांव सीतापुर से उन्होंने यह जानकारी भेजी है। तो हरगांव वगैरह की सुपरवाइजर बहन का देहांत हो गया है। अब आगे आपको चलते हैं अन्य एक से बड़ी एक खबरों की तरफ, जिनमें सबसे बड़ी एक खबर आपको बता दें, ये एक आई है कि कोरोना काल में कार्य करने के बदले प्रोत्साहन राशि देने की मांग को आंगनबाड़ी बहनों ने रखा है और ये ज्ञापन भी सौंपा है। ये जो आंगनबाड़ी बहनें आपको दिख रही हैं, ये सब चाहती हैं कि कोरोना काल का जो उन्होंने काम किया है उसके बदले में प्रोत्साहन राशि उन बहनों को दिया जाए। और बहनों की मांग जो है यहां पर मध्य प्रदेश के खंडवा से उठी हुए। तो आप लोग जो अलग अलग राज्यों से हैं, आपको भी अपने हक के लिए मांग करना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के खंडवा में ये सब आंगनबाड़ी बहनें अपने कोरोना काल में कार्य जो उन्होंने किया है कोविड वाला, उससे जुड़ा हुआ प्रोत्साहन राशि, अपनी मेहनत का फल वो पाने के लिए अपना ज्ञापन सौंप रही है जमीन पर। तो बाकी के लोग भी प्रयास करिए और अपने हक के लिए लड़िए। सलमा भी बहन साजापुर से उन्होंने जानकारी भेजी थी। अब इनके अलावा तो आगे आपको बता दें, एक मैसेज और आया है। सुनीता त्रिपाठी बहन है महाराजगंज से। देखो, हम पहले भी आप सबको बता चुके हैं ये उमंग ऐप के बारे में। उमंग ऐप से तमाम विभागीय योजनाओं के बारे में आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं भरने के लिए, पंजीयन करने के लिए। उसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों, मानदेय भी यहीं से चेक हो जाता है। पीएफएमएस वाला ऑप्शन इसमें भी आता है। अगर आप अपने गूगल प्ले स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसमें अपना जो है नंबर वंबर डाल करके आईडी बनाते हैं, फिर आप अपना वहां उमंग ऐप पर पीएफएमएस के जरिए मानदेय की स्थिति चेक कर सकते हैं। जैसे पीएफएमएस से गूगल से पोर्टल पर जाकर करते थे, वैसे इस एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बाकी मर्जी आपकी है। बाकी चैनल पर तो ऑल इंडिया बता ही देता है कब पैसा खाते में लगा, कब सक्सेस हुआ। इस बार उत्तर प्रदेश में जो पैसा लगा था 1 तारीख को, वो आज 19 तारीख को भी सक्सेस नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का 4500, जिसको लेकर के काफी लोग जो है परेशान है, लेकिन उन सबको यही कहना चाहेंगे जब होगा ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि पैसा ना लगा हो तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है, कब लगेगा पूछा जा सकता है। लेकिन जब पैसा 1 तारीख को ही लगा है वो सक्सेस नहीं हो रहा है। ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हां, इनमें भी दिक्कत है, इनमें सुधार की आवश्यकता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आपको बता दें, सरोज बहन है फैजाबाद से, उन्होंने एक जानकारी भेजी है। बाकी आप सब भाई बहन भी इस मैटर पर जवाब जरूर देना। देखो, उनका कहना है भाई, फ्लेक्सी फंड का पैसा मार्च 2021 में 2000 रुपया आया था। पार्षद और आंगनबाड़ी के जो ज्वाइंट खाते खुले थे, जो शहरों में है वहां पर पार्षद होते हैं, उनका साथ में मिलकर के आंगनबाड़ी बहनों के साथ में ज्वाइंट खाते में पैसा डाला जाता था। अब जो गांव में रहते हैं उनका आंगनबाड़ी बहन का और ग्राम प्रधान का संयुक्त खाता होता है, उसमें पैसा डाला जाता है। तो ये पैसे आए थे, सुपरवाइजर उसी के बारे में कह रही है। जबकि यानी टोकन में एक जगह अयोध्या में सुपरवाइजर बहन ने कहा कि पैसा हमको उसमें से निकाल करके 170 लाइए और हम राशन वितरण वाला टोकन आपको कार्यालय से देंगे। इस तरह से जो है भ्रष्टाचारी चल रही है। अब इसके अलावा आपको बता दें, इनका कहना है जबकि पार्षद या ग्राम प्रधान, शहरों में पार्षद और गांव में ग्राम प्रधान, ये दोनों जो है आधा पैसा ले लेते हैं, ये वाला जो आता है मातृ समिति का, जिससे आंगनबाड़ी बहनों को आगे के कामों को करने में दिक्कतें आती हैं। तो इनका कहना है कि हमारे यहां पर बुक डीलर के यहां रजिस्टर आया है। बताओ, बुक डीलर वाले हैं, वहां पर किताबें रजिस्टर आती हैं, 1250 रुपए का, वो भी फ्लेक्सी फंड के पैसे से लेना है। बताओ, पैसा है 2000, आधा
ग्राम प्रधान और सभासद ये लोग जो है डकार जाते हैं, और उसके बाद में जो बच जाता है 1000 रुपया, उसमें से भी काफी जगह सुपरवाइजरें भी जैसी नजर लगा लेती हैं, उनको भी उसमें हिस्सेदारी चाहिए होती है। और बाद में जब कोई काम आए विभागी तो उसमें कहते हैं जो फ्लेक्सी फंड में पैसा डाला गया था उसी के मद में ये पैसा निकाल लो। चाहे वजन मशीन लेनी हो 1000 रुपए की, तब कहेंगे वो पैसा डाला गया था उसमें से 1000 रुपए की वजन मशीन ले लो। अब कहते हैं हर महीने राशन वितरण वाला सिस्टम लागू है, 170 रुपए या 200 रुपए करोजगार करा ले को अगर इसके बदले इससे दिए जाएंगे कब तक चलेंगे। ये फ्लेक्सी फंड का पैसा कोई हर महीने तो डाला नहीं जाता है 2000। तो सोचिए समझिए, बाकी 1250 रुपए का बहन कह रहे कि बुक डीलर के यहां से रजिस्टर लेने के लिए बताया जा रहा है। अब इस तरह से शोषण ही तो है, पैसा आता नहीं है और जो आता है गिना चुना, वो भी सब भ्रष्टाचारी के चलते लोग डकार लेते हैं। रह जाता है थोड़ा बहुत 100-200 रुपया और उसमें भी काम कराए जाते हैं 2-3-4 हजार के। अब वो भुगतान कहां से होगा, आपके वही 5500 अल्प मानदेय से ही होता है। इस तरह से सरकार और विभाग आंगनबाड़ी बहनों का शोषण मचाए हुए। अब चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे उजरा बानो बहन है गाजीपुर से, उन्होंने भी एक जानकारी भेजी है। देखो आप सबको पता है आधार कार्ड काफी जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि तमाम योजनाएं चल रही हैं उन सब में अब आधार कार्ड ही सबसे पहले आता है। कोई भी एंट्री करवाओ तो आधार कार्ड का ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पंजीकृत लाभार्थी हैं उनका आधार कार्ड बनेगा और उनका, ताकि योजनाओं में हर जगह मांगा जाता है आधार कार्ड, तो इसीलिए उनका सबका आधार कार्ड बनवाया जाएगा। ये गाजीपुर में खबर निकली थी। उनके अलावा अब ये सब जगह होना है। 29 जुलाई को UDI के द्वारा समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO और परियोजनाओं में संबंधित जो कर्मचारी उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी दिलीप कुमार पांडे ने बताया कि जनपद में कुल 282,000 बच्चे और गर्भवती महिलाएं किशोरी पंजीकृत ये सब हैं। अब इनमें आधार कार्ड 70% लोगों का ही जो है बना हुआ है, अब बाकी लोगों का भाई बना नहीं तो बाकी सबका भी बनवाया जाएगा। तो आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड अब बनवाए जाएंगे। अब बता दें आपको शारदा यादव बहन जौनपुर से, उन्होंने एक मैटर और भेजा कि शिक्षा में आरक्षण खत्म करने की एक मांग उठाई गई थी, उसको अभी हाल फिलहाल में खारिज कर दिया गया है। ये नई दिल्ली से खबर निकली है, याचिका यहां पर रद्द हो गई है। अदालत ने कहा है कि यह याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिक मेधावी उम्मीदवार की सीट कम मेधावी को दे दी जाती है, ऐसा बोला गया। तो शिक्षिका जो शिक्षा में आरक्षण खत्म करने की जो मांग उठी थी उसको जो है खारिज कर दिया गया। अब आगे आपको बताना चाहेंगे, अगली खबर पर चलते हैं, इसमें बहुत सी बहनें कहेंगी हमारे काम की नहीं लगती। सोमवती शर्मा बहन है कानपुर देहात से, उन्होंने अपने वहां से ये तस्वीर भेजी है। ये प्री प्राइमरी वाली किट है उत्तर प्रदेश में, और ये भरकर किसमें दी गई है वो हम आपको बहन के ही शब्दों में दिखाना चाहते हैं। सोमवती शर्मा बहन कानपुर से, उन्होंने कहा है कि ये प्री स्कूल की किट मिली है, ड्राई राशन के थैले में भरकर के दी गई है। बताओ, जो किट बक्से में आनी चाहिए थी, ताला भी आना चाहिए था, मिलना चाहिए था, वो किटें जो है यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को ये पोषाहार बांटने वाले थैलों में भर करके दी जा रही है। अब आप सोचिएगा ये पैसा कौन खाकर जो है खा रहा है, कौन डकार रहा है। अधिकारी लोग इस पर जवाब क्यों नहीं देते, निदेशालय से इस पर जवाब क्यों नहीं मांगे जाते, सच्चाइयां दिखाई जाती है, क्रॉस चेकिंग क्यों नहीं होती है। वही करते गलत है, वही चेक भी कर लेते हैं, वही लिपापोती कर देते हैं, ऐसे चल रहा है सिस्टम पूरा उत्तर प्रदेश। बाकी आप लोग देखिएगा, जाएं तो बहने भी कहां जाएं, सुनने वाला कोई है नहीं। जिला अधिकारी के पास शिकायत करने के लिए बहने जो जाती हैं वो कहती हैं उनकी तक तो वो समस्या का संज्ञान नहीं लेते हैं। अब बताओ किसके पास जाएं, कौन जिले में फिर रह गया है उनसे बड़ा जिनसे कहें तो समस्या का समाधान हो जाए। छोटे लेवल पर तो भ्रष्टाचारी चरम पर मची हुई है। कोई अगर किसी के साथ गलत हो, रिपोर्ट लिखाने जाए तो जहां दबंगई चलती वहां पर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। अब बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। अब देखिए टोकन यहां पर जो है यहां पर छपवाने के लिए भी इनके वहां पर निर्देश दिए गए हैं। सुपरवाइजर मैडम के द्वारा कहा गया कि टोकन भी छपवाइए। अब देखिए ये टोकन चल रहा है उनके वहां पर, इसमें आप देख सकते हो इस तरह से है, कोटेदार हेतु टोकन बाल विकास विभाग द्वारा ड्राई राशन वितरण हेतु ये प्राधिकार पत्र, जिसमें लाभार्थी का नाम का कालम और साथ ही जो है यहां पर समूह वगैरह देखा, लाभार्थी समूह जो जो है उन सबका इकट्ठे नाम लिखा है, माता पिता अभिभावक का नाम का कालम, आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण संख्या, लाभार्थी का
का आधार नंबर और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीजें हैं। तो ये उनके वहां कोटेदार के लिए है। अब आगे चलते हैं और बताना चाहेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जहां पर भर्ती आज की डेट में चल रही है। तो सबसे ऊपर है आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बदायूं, गोंडा, कन्नौज, ललितपुर, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र, इतने जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर आज की डेट में भर्तियां बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर चल रही हैं। चाहे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी के जो विस्तृत दिशा निर्देश, समय समय पर अपडेट, नई नई खबरें इस भर्तियों से जुड़ी हुई, वो आपको समय समय पर ही दी गई है। अगर कोई उनको सो करके आएगा 10 दिन 4 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीना 4 महीना बाद में, तो भाई बता पाना संभव नहीं होता है। खबरें देना हमारा काम है, खबरें समय से देखना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। अब चलते हैं आगे खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक मामला आया है। पहले डकारी गई है यहां पर धनराशि, अब यहां पर लिंटर डाला जा रहा है। तो ऐसे कुछ भ्रष्टाचारियां हर जगह पर होती है। कहीं कहीं जब कोई आवाज उठाता है, चेकिंग हो जाती है, तो फिर यहां पर ऐसे काम किए जाते हैं जल्दी जल्दी में। बाकी जगह का तो आपको हाल पता ही है। साल पर साल बीत जाते हैं, प्रधान पर प्रधान चेंज हो जाते हैं, लेकिन जिन पर भी जिम्मेदारी कहीं होती है वो काम नहीं करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र कागजों में ही जो है यहां पर बना दर्शा करके लाखों रुपए सरकारी धनराशि हड़पने के मामले में 6 सदस्यीय टीम ने जांच पूरी करके रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को सौंप दी है। पूर्व प्रधान जो है और ग्राम पंचायत सचिव, इनके साथ साथ में 4 लोग और हैं। इन सब पर मुकदमा वगैरह दर्ज किया जा सकता है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का दोस्तों मामला है। अब यहां पर जब पुलाव खुल रहा है तो यह देखिएगा कैसे मकान बनाए जा रहे हैं। अब इनमें कल को दुर्घटना होगी, क्यों नहीं होगी मैं बता दूं आपको, क्योंकि मकान बनता है तो एक सिस्टमैटिक तरीके से बनता है। यहां पर इन्होंने नीचे से लेकर के ऊपर तक का फर्श तक का सब एक साथ में सब कर दिया, ताकि बच जाए और ताकि दिखा पाए कि आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया था। कागजों पर ही नहीं बना है, जमीन पर भी बन गया है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी आप लोग खुद ही समझदार है। अब चलते हैं खबरों की तरफ और बताना चाहेंगे, ये मैटर है आंगनबाड़ी केंद्र के कागजों जो है, केंद्र को कागजों में दर्शा दिया गया और राशि वासी सब हड़प ली गई है। मुकदमा वगैरह दर्ज होने की बातें आ रही हैं। खंड विकास अधिकारी पूरनपुर को पत्र जारी किया था जिसमें कहा था, देखो जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ ने 28 जून को एक पत्र अपना जारी किया था। उन्होंने ग्राम पंचायत जो है क्या है शाहबाजपुर वगैरह के घाटमपुर में स्थित प्राइमरी और जूनियर स्कूल के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए जो है बने हुए गए दिया गया, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। 2018-19 में ग्राम पंचायत सहबाजपुर वगैरह में एक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण का लक्ष्य ग्राम पंचायत को आवंटित किया गया था। निरीक्षण में वह आंगनबाड़ी केंद्र नहीं मिला है, तो उस आंगनबाड़ी केंद्र का पैसा डकार रहे थे पूर्व प्रधान। अब आगे चलते और आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा जागरूक होइए आप लोग। अगर आप लोग थोड़ा लड़ना सीख जाएंगे, डरना छोड़ देंगे, तो जिंदगी आसान हो जाएगी, भ्रष्टाचारी भी थोड़ी कम होगी और आपके जो रास्ते हैं वो भी खुलने लग जाएंगे। वरना जब तक आप बस चुपचाप बैठे रहेंगे तो बस बैठे ही रहेंगे, ना कोई रास्ते खुलेंगे आपके जीवन के, ना ही कोई बदलाव आएगा जीवन में। अब आगे बताना चाहेंगे, अर्चना देवी बहन है गोरखपुर से, इन्होंने भी अपने वहां से एक मैटर भेजा है। ब्लॉक मिशन प्रबंधक पर समूह की महिलाओं ने लगाया है खाद्यान्न बेचने का रिश्वत लेकर के नियुक्ति करने का एक गंभीर आरोप। तो ये आरोप ही सिर्फ नहीं है, ये आरोपों की पुष्टियां भी हो जाएं अगर इन चीजों में जांच ठीक तरीके से हो जाए। आप सब जानते हो भ्रष्टाचारी कदम कदम पर मची है और ब्लॉक मिशन प्रबंधक पर समूह की महिलाओं ने जो खाद्यान्न बेच करके रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है, वो कहीं ना कहीं सही भी निकल करके आएगा। तभी तो आप लोग जानते हो कि आंगनबाड़ी बहनों को राशन कम दिया जा रहा है। बहने कहती है समूह वाले कम दे रहे हैं, समूह वाले कम क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे भी तो जानना जरूरी है। कौन बैठा है गिद्ध जैसा जो कह रहा है कि आप रिश्वत जो है हमको दीजिए राशन बेच करके समूह वालों से, तभी वो लोग कर रहे हैं। और उनका भी करना गलत है, उनको भी स्टिल्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी हर कोई समझे, जहां से गड़बड़ियां होती दिखे उसको ही उसके लिए लड़ना होगा, तभी ये चैन जो है भ्रष्टाचारी की वो टूट पाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी तो आप सब खुद ही समझदार हो। अब चलते हैं आगे और बताना चाहेंगे, घर घर दस्तक दे रही है आशा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहने, ये आप सबको पहले भी बताया जा चुका है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। बहराइच से ये आर्टिकल आया था और अर्चना देवी बहने गोरखपुर से उन्होंने भेजा था। इनके अलावा एक ये सलमा भी बहने साजापुर से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का उनके वहां पर सम्मान किया गया है। अच्छी बात है सम्मान किया गया है, लेकिन सम्मानित जो किया गया है यहां पर एक प्रशस्ति पत्र देकर के इनको कोरोना योद्धा के रूप में और वो दे करके सम्मानित कर दिया गया है। जबकि अगर इनको थोड़ा राशि दे दिया जाए विभाग या सरकार या सम्मानित करने वाले लोगों की तरफ से तो शायद इनके परिवार का खर्चा चल जाए और 5500 रुपए ऊपर से जो शोषण इन चीजों पर भी थोड़ा ठीक लगे कि मतलब इतना शोषण हो रहा है तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन नहीं, पैसे के नाम पर चवन्नी नहीं, प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों को अच्छे तरीके से, लेकिन जब उनकी डेथ कभी हो जाती है कोरोना संक्रमण काल में तो हमारे विभाग के अधिकारी डेथ सर्टिफिकेट हो या ये ड्यूटी लेटर बनाते नहीं है कि जो है वो काम कर रही थी इस वजह से उनकी डेथ हुई है। तो बहनों को उनके परिवार वालों को मुआवजा राशि देने में भी दिक्कत हो जाती है। बहुत सी बहनें ऐसे ही उनके घर परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं 50 लाख के मुआवजे राशि के लिए। अब चलते आगे और बताना चाहेंगे सुशीला देवी बहने प्रतापगढ़ से, उन्होंने अपने वहां से ये फोटो भेजी है। इनके अलावा यहां पर आप देखिएगा एक ये राकेश कुमारी बहने लखनऊ से, उन्होंने भी फोटो भेजा है। साथ ही साथ एक ये रानी वाजपेयी बहने हरदोई से, उन्होंने भी फोटो भेजा है। इनके अलावा एक ये है सुदास बहन सिद्धार्थनगर से, उन्होंने भी फोटो भेजा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, उम्मीद है वीडियो तो आपको आज धमाकेदार लगा है, पसंद आया होगा और आप सबने पूरा इसको देखा भी है। अब देखो जैसे समय मिलेगा खबरें आएंगी तो आप लोगों के लिए दोपहर या शाम को वीडियो आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं चैनल सब्सक्राइब रखिए, सुबह शाम दोपहर बस चेक कर लिया करें एक बार, आएंगी खबरें तो खुद ही आ जाएगी, दिख जाएंगी आपके फोन में, नोटिफिकेशन आ जाएगी। वरना जो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ चुके हैं जिन्होंने अपना नाम जिले का नाम बता करके मैसेज किए हैं उनको संपर्को तो मैंने जो अपने व्हाट्सएप पर भी जोड़ दिया, उनको तो वहीं पर पता चल जाता है कि कब वीडियो आया कब नहीं आया, वहां पर ताजी ताजी लिंक में डालता रहता हूं जब भी वीडियो पोस्ट किया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग चैनल से जुड़े भी हैं, जिन जो ना जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और